नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि वाले जातकों का दिसंबर 2022 का राशिफल बताऊंगा। बृहद जातक जो पुस्तक है ज्योतिष की, उसके अनुसार सटीक सूत्रों का विश्लेषण करके, तारीखों को ध्यान में रख करके बहुत ही सटीक राशिफल आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं महीने की शुरुआत की ग्रह स्थिति पर। ये 1 दिसंबर 2022 का होरोस्कोप है। मिथुन राशि को हमने सेंटर में रखा है। आपकी राशि से पांचवें स्थान में केतु गोचर करेंगे 17 डिग्री पर, सूर्य 14 डिग्री पर, बुध और शुक्र ये तीनों छठे भाव में रहेंगे, शनि आपके अष्टम भाव में अपने ही राशि मकर राशि में रहेंगे, चंद्रमा नवे घर में कुंभ राशि में और बृहस्पति आपकी राशि से दसवें घर में मीन राशि में रहेंगे, राहु 11वें और मंगल की स्थिति 12वें रहेगी। तो इस प्रकार आपके महीने की शुरुआत होगी। 11वें स्थान में राहु धन लाभ का योग पहले की तरह बनाए रखेंगे। धर्मशास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं तृतीय षष्ठे एकादशे सर्वे पाप ग्रह सर्वारिष्टम निवारयेत। तो यहाँ पर 11वें स्थान में आपके राहु रहेंगे एकादश भाव में। व्यापारी भाइयों के लिए इनकम की जो कंटिन्यूटी है, जो लगातार एक इनकम में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, 11वें राहु से जो लाभ आपको मिल रहा है वह कंटिन्यू मिलता रहेगा। छठे भाव में सूर्य बुध और शुक्र की स्थिति, हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि छोटी छोटी स्वास्थ्य में जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाएंगी इन तीनों ग्रहों की छठे भाव में स्थिति। और साथ ही साथ में जो लोग पहले से बीमार हैं, जिन लोगों का पहले से ही स्वास्थ्य खराब है, उनके लिए दिसंबर का पहला सप्ताह बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला है। 14-15 दिन के बाद सूर्य चेंज कर जाएंगे और 3 तारीख को बुध यहाँ से चेंज कर जाएंगे। तो मुख्य जो समस्या है आपको 15 दिसंबर तक रहेगी स्वास्थ्य में। छोटी मोटी समस्याएं, ठंडी का मौसम है और जो बुजुर्ग पहले से ही छोटी मोटी समस्याओं में हैं उनको ध्यान रखना होगा, दवाइयां टाइम पर लेनी होगी। कार्य बाधा, बुध और शुक्र का यहाँ पर आपकी राशि से छठवें स्थान में संचार करना, आपके बनते बनते कार्यों को ये इनमें छोटी छोटी बाधाएं आएंगी। अब 12वें स्थान में मंगल आपके चल रहे हैं पिछले सवा महीने से, 24 डिग्री पर हैं, सप्ताह भर से ज़्यादा यहाँ रहने वाले हैं, तो अपव्यय। अब 12वें मंगल से होगा क्या, आपको यहाँ पर दो चीज़ों से बच करके रहना है। महीने के शुरू के 10 दिन 10 तारीख तक, एक तो लंबी यात्राओं में स्वास्थ्य का खराब हो जाना, मिथुन राशि वालों को इससे पूरी तरह चौकन्ना रहना है। पत्नी के साथ बेफालतू में मन मिटाव, टेंशन तनाव की स्थिति आपके घर में यह बन सकता है। 12वें स्थान में मंगल अपव्यय, बिना मतलब के खर्चे और बाई आंख में छोटी मोटी समस्या क्रिएट करते हैं। तो 12वें स्थान में मंगल राशि से इसका ध्यान रखना है और 3 चीज़ों पर आपको अपना कहीं ना कहीं चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। अपव्यय से विशेष रूप से, बिना मतलब के खर्चों से आपको बचना है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 तारीख में बुध ग्रह ये छठे भाव से आपके 7वें भाव में यहाँ पर आ जाएंगे 3 दिसंबर को। तो यहाँ पर होगा क्या, इस 7 सम सप्तक योग से बोलते हैं, बन जाएगा सरकारी कार्यों में छोटी छोटी बाधाएं और व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, दोनों काम एक साथ होंगे। जो लोग सरकारी कार्यों से कनेक्टेड हैं उनके लिए टाइम बढ़िया नहीं रहेगा और व्यापारी भाइयों के लिए ये बेस्ट रहेगा। ये यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ पर राइट।
और सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है आपके लिए, 6 और 7 तारीख में बड़ा व्यापारिक धोखा आपको होने के योग है। कोई बड़ा लेन देन ना करें, किसी महत्वपूर्ण कागज पर दस्तखत ना करें, और किसी प्रकार के किसी को सामान खरीदने या बेचने की यस आपको इन तारीखों में बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी छल कपट होने का योग बन रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव में शनि गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनाए रहेंगे पूरा महीना। जहाँ पर भी योग संयोग लगे आप अपना उस तरह का मोमेंट भी ले सकते हैं। 10वें स्थान में बृहस्पति, स्वग्रही बृहस्पति, यहाँ पर आपका बहुत शानदार क्राइटेरिया आपका बढ़ेगा और व्यापारिक सिस्टम भी आप अपना फैलाव कर सकते हैं। 8, 9 और 10 तारीख को विलासिता पर खर्च, कपड़े खरीदने, घूमने जाना और तरह तरह के जो लग्जरी लाइफ पर आदमी खर्च करता है अपने जीवन में पैसा, ये 8, 9 और 10 ये 3 तारीख हैं उसके लिए। जैसा आप ठीक समझे उसके लिए ऐसा करें। लेकिन इन 3 तारीखों में 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर शत्रु आपके एक्टिव हो जाएंगे, दुश्मन आपके एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप अपने ऊपर खर्च करोगे मौज मस्ती के लिए तो दुश्मनों की नज़रों में आप आ जाओगे, इस प्रकार का योग है। 14-15 तारीख में संतान पर खर्च का योग है। अब भाई वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो तो कंडीशन हर आदमी की अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी अपने दिमाग को आप चला लेना। 16, 17 और 18 तारीख में हेल्थ प्रॉब्लम से आपको बचना। वेरी स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, वीडियो मैंने बहुत लंबी नहीं की है, 4 मिनट की वीडियो है, लेकिन जो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैंने स्पष्ट कर दिया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिसंबर इन तारीखों में आपके दुश्मन आपके कार्यों में ज़बरदस्ती विघ्न पैदा करेंगे और आपको बेफजूल की बातों में उलझाकर आपका जो प्रतिद्वंद्वी वर्ग है, जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं, आपको बेफिजूल की बातों में उलझा करके कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के भी योग लास्ट के सप्ताह में तो कन्फर्म बन ही रहे हैं। इस पर भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अब इस महीने में करने वाले उपायों की बात कर लेते हैं। आप गम गणपते नमः, गणेश जी के इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आपके व्यापार के लिए 3 दिसंबर से लेकर के और 30 दिसंबर तक यह मंत्र रामबाण काम करेगा, क्योंकि बुध आपके व्यापार भाव में रहेंगे। नियमित रूप से अपने इष्ट देवता की साधना करें और लगातार शत्रुओं के एक्टिव होने पर बम बटुकायन में यह मंत्र भी आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालने वाला होगा। मेरी इस छोटी सी वीडियो में यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का मासिक राशिफल देखते हुए, बदलते हुए ग्रहों का आपके जीवन पर क्या मूवमेंट है, यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।